वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर छत्र तख्तां दे मालक, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की निघी गोद विच दूरों नेड़ियों चल करके शाम के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। आओ इन्हां कीमती पलां नूं साहिब दी याद विच सफला बनाइए। कल दे प्रसंगां दे विच आप जी ने सरपण कीता, बालक अवस्था विच गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने गोपाल पाता जी को उपदेश बख्शिश करके निज का ज्ञान बख्शिश कर दिता, अपना स्वरूप बना लिया। पाता जी जीवन मुक्त हुए, बड़े विस्तार सहित आप जी ने पिछले दिन इन्हां प्रसंगां का आनंद माणिया। आओ ध्यान करके शुद्ध करके राय भोए की तलवंडी विच आनंद माणिए। प्रेम दी पाओ सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा सहज स्वभाविक मुक्त दा आवत भये आवास। मुक्ति दे मालक दातार सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह पाता जी नूं जीवन मुक्त बना करके पाठशाला विचों दोपहर वेले घर आ गए। माता तृप्ता जी वेहड़े विच बैठे ने, वेखिया पुत घर विच प्रवेश हो रहा है। देख करके माता जी बड़े आश्चर्य होए, हैरान होए, सोच भी नहीं सकते नानक जी घर कल्ले किवें आ गए। पाठशाला का समा सवेरे जाना है, सूरज छिपे संध्या नूं आउणा है। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे हाथ विच फटी है, झोले विच पाई आ करके वेड़े विच सुट दित्ती है, आके मिट्टी च बह गए। बचपन है, मिट्टी की खेड प्यारी है, पर माता तृप्ता जी नूं इस गल की समझ ही नहीं आउंदी पुत नूं लैके कौन आया। ऐस वेले मेरा बच्चा इकल्या क्यों आ गया। अखां भर भर के मां तृप्ता अपने लाल नूं तकदी है, वदन उपर कट किंकणी, शब्द होत प्रकाश। महाकवि भाई संतोख सिंह कहिंदे जदों सतगुर जी अंदर प्रवेश होए ना वेड़े च, माता दा ध्यान तां गया, सतगुरां दे हत्थां दे कंगण छणकदे सी, ते मां नूं अपने पुत दे गहिणियां दा पता हुंदा है। दूरों भी छणकदे होण, बच्चे दी आवाज़ दा भी पता हुंदा वेड़े विच, किते दूरों बोलदा छोटा जिहा नन्ना जिहा बच्चा आवे ते मां जाण जांदी पुत मेरा आ गया। माता जी दी रसना तों पहला शब्द आया, पुत नानक की पाठशाला नहीं गए,
माता जी को पढ़न जाते हैं, पर गुरु साहब जी ने माता जी के किसी भी सवाल का कोई जवाब दिता नहीं। माट बिलो कट बैन अलयो, बिना पर दोख सदन चल आयो। गुरु साहब जी ने कुछ भी वेख्या ना, मिट्टी ना खेडन लगे आ, टोआ पट दे आ मिट्टी च। माता जी चल के कोले आए, कहिंदे पुत अजे ते आउण दा समा ही नहीं सी होया, तुसी दुपहर नूं ही आ गए। कोई जवाब नहीं। अगला बचन थोड़ा जा माता ने गुस्से में आके आख्या, पुत इदां पढ़ाइयां नहीं होणियां, अजे ते तुहाडे पिता जी तुहानूं छड्ड के पटवार खाने नहीं गए होणे, पहुंचे नहीं होणे, दो घंटियां दा समां है, तुसी वापस आ गए नाले आए किहदे नाल। मर्द ने हस के जे मां वल वेख्या, फिर मिट्टी च मस्त हो गए, खेडी जांदे आ, ढेरी बना लैंदे आ, ढा दिंदे आ, फिर बना लैंदे, फिर ढा दिंदे। मां वेख रही है इन्ने बेपरवाह, रब सदा ही बेपरवाह हुंदा ते रब दे प्यारे, दुनिया हुंदी लापरवाह, दोनों की फर्क है। माता कोल बह गए, कहिंदे पुत तेरे पिता जी नाराज होणगे, उन्हां ते सिद्धा पटवार खाने तो तेनू लैण वास्ते पाठशाला जाना है। जदों पाता जी दसणगे भी तेरा पुत ते भज गया, दुपहरी चले गया, पुत पता तेरे पिता दा सुभाअ किहो जिहा है, वेखदे नहीं किसे वल, सुनदे नहीं किसे दी, अपनी सुनाउंदे। मर्द सुनी जांदे आ, खेडी जांदे, हथ मारी जांदे मिट्टी विच, मां इक सांह दे विच कई बोल बोल गए ने। और तात ताड़ूंगे ताता, हित कर पड़ो ना खेले रता। जदों सतगुरां ने माता जी का कोई वचन ना सुनिया, मां कोल बैठी दोनों हाथ फड़ के झाड़े, कहिंदे पुत ना खेड मिट्टी च, तैनू डर नहीं लगता बापू तो, पिता तेरे ने आके तेरे नाल की करना है, तैनू की बोलना है, बिल्कुल खौफ नहीं। जद कल्याण चंद जी नूं पता लगना भी मेरा पुत पाठशाला तो पढ़दा नहीं, भज के घरे आ गया, हुण दुनिया कहिंदी जी होशियार बच्चा कदे बंक नहीं मारदा, है वी सच है, भज्जू कहिड़ा कहिड़ा मेरे वर्गा स्कूल नहीं जाना चाहुंदा। माता जी कहिंदे पुत पिता ते पहले ही बड़ा रौला पाउंदे, मेरा पुत कुछ बनदा नहीं, कुछ पढ़दा नहीं, आके तू खेडन लागे है, जदों बापू जी वेखणगे खेडदे नूं बुरा भला बोलणगे। अगे बजुर्ग बोलदे सी, वो नहीं सी वेखते कौन छडाउण आउंदा, कौन कोले खड़दा, जो आ गया बोल देना उन्होंने, हुण ओह जमाना नहीं गया। माता जी ने बड़ा गुरु साहब नूं मिठा मिठा जिहा झिड़किया, कहिंदे पुत खेडां खुडां छड्ड दे, बथेरा खेड लिया, हुण पढ़न लिखण की उम्र है, चार अखर सिख लएगा तेरे काम आउणगे। नैन नीर बार की न्याई, ਆਵਨੀ ਖੰਤ ਸੰਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਪ ਤਿਪ ਹੰਝੂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਚੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੋਹ ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹ ਦਾ ਫੇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਫਿਰੂ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਰੀਫ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਏ, ਮਾਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਚਾਹ ਗਈ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਸੋ ਕਰ ਗਹਿ ਕਰ ਪੁੰਨ ਮਾਤਾ, ਅੰਕ ਵਸਾਈ ਕਹਿਓ ਬਹੁ ਭਾਂਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗੋਦ 'ਚ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਝਿੜਕਣ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ,
पिता ते कहिंदे मेरे पुत वर्गा ढीठ कोई नहीं, उहनां दी ते इही बोली रहिणी है, बोलदे वी इदां ही ने। ते मां किते ना किते मोह विच आ भी जांदी है, ते कदे कदे मां नूं लगदा वी मेरा पुत आम नहीं है, को रब्बी नूर है इह। जद सतगुर सच्चे पातशाह गोद विच बैठे माता जी दे, अपनियां उंगलां नाल खेडी जांदे आ, ते मां मिठियां मिठियां गल्लां करके कहिंदे पुत मैं तैनूं अज तों नहीं छड्डणा, कुछ नहीं कहना, पढ़ ना पढ़ ये तेरी मर्जी है। ऊखन अवर दही करवाई भोजन मदर लेहो नित खाई। ते माता दी अपने पुत दा ध्यान भटकाउणा चाहुंदे आ, किसे होर पासे लजाणा चाहुंदे आ, कहिंदे पुत मैं तैनूं सोहणे सोहणे गहिणे बणा के देणे, मिठियां चीजा तेन लै देनिया, जिम्मे हम बचपन कोई चीज हो नाम से चीजी हो। माँ कहती पुत तेन मिठिया चीजा देंगी, क्योंकि गुरु साहब मिठा बहुत पसंद सी, गुरु नानक साहब खाण मिठा पसंद करते, भोजन दे चौल तो दही बचपन की खुराक है, जब व्डे हुए ना फिर तो गुरु साहब बाजरे की रोटी खाते, बिल्कुल सीधिया साधिया रोटियां, सीधा जिहा भोजन से, कोई बहुता इधर उधर का शोर शराबा नहीं। मां अपने पुत नूं लालच देगी, ध्यान विच ला रही है, लड़ा रही है लाड, सुभाविक गल है, बच्चा रोवे तो मां कहती पुत तेनूं आह चीज़ लै देंगे, अज के समय चॉकलेट लै देंगे, तो बच्चा वो चुप हो जाता, ना हो लेज कुरकरे, कहता ठीक है वेरी गुड, हम मैं रोंदा नहीं। गुरु नानक साहब महाराज नूं मां इको गल फिर कहती पुत तेनूं गहने पा के देंगे, सोने सोने कड़े अपने पुत नूं बना देने, जो मेरा लाल मंगेगा मिठिया चीजा वह अज ही बनावांगी। अगे की सी घर के गुलगुले पकौड़े मठिया मिठिया, घर के खुराकां ज्यादा सी, अज कित्थे ने चीजा पता भी नहीं किसे। ते माता अपने पुत नूं बार बार कहिंदी पुत रो ना, कोई नहीं गोली बजे पाठशाला। कई बार बच्चा अज के समय भी स्कूलों आता कहना मैं नहीं जाना, माँ कहती दफा कर स्कूल, मेरा पुत किसी स्कूल स्कूल नहीं जाता, दूजे दिन फिर झोला टंगे आता मुझे कहते चल पुत स्कूल गया, वह वक्त होता। हूँ गुरु साहब के नेत्रां के अथरू वेख माँ मोह दियां लोरियां विच आखदे ने पुत तू जो मंगेगा तेनू लैके देंगी। जे अब पढ़े प्रीत कर लिख थोड़ी देर पहला की कहते कहते गोली बच्चे पाठशाला हूँ दिलो थोड़ा कहते उते टाल दे सी पुत जे सोना जिहा पढ़ेगा लेखा सीख लेगा ना वड्डा होके किरत करेगा किसी अगे हाथ नहीं अड्डने पैणगे शरीके दे विच लोग क्या करनगे वेखो कल्याण चंद दा पुत किड्डा मेहनती है पुत पढ़ लिया कर दो यही उम्र है तेरी पढ़न दी माता जी कहिंदे बड़े प्यार विच अपने पुत नूं समझाउंदे आ वी अज ते बापू आ के बोलेगा इहनां दा ते मैं संभाल लांगी चकल वी ना गई औखा ना फिर ते सारा टब्बर आखूगा भी बई मां बिगाड़दी मां कहिंदी नहीं जाणा पुत। इसे करके माता जी अपने पुत्र नूं समझा रहे हैं बेटा अज तुसी आ गए हो किवें आ गए हो मैनू नहीं पता ना मैं पुछना कल तो पाठशाला जाना है सोहना सोहना मेरे पुत ने पढ़ना है तू तो हुशियार बड़ा समझदार बड़ा जद लेखा सीखोगे हिसाब सीखोगे बड़े पटवारी बन जाओगे। दोहरा अजर मांज विचरत बहोर ਸੰਜ ਭਈ ਜਿਹ ਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਉੱਠੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ अजे ते पिता जी ने आना पता नहीं की कुछ होना कर जदों ना जाना पाधे को माता नूं फिकर पिया होया है कि पाधे ने कहना लै तुसी ते कहते सी मेरे पुत नूं स्पैशल पढ़ाओ पुत ते तेरा है ही नहीं इत्थे फिर बापू सुनदा थोड़े कहे उन्हें सीधा घरे आना है गर्म होया भी वाह ओए पुत्रा मैं सोचता सी तेनू दो साल की पढ़ाई एक साल च करा दा तेनू वड्डा पटवारी ला दा तेनू ते खेडण तों वेह नहीं कोई
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾ। ਕਾਲੋ ਆਲਿਆ ਆਏ ਪਿਖ ਲੋਚਨ ਲਾਲ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪਾਤਾ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵਰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨੀ ਜੀ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਲਾਸ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕੱਲ ਨੀ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਘਰੇ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਟਕ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਘਰੇ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਰਜ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਵਿਹੜੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਬਸ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਡਰ ਪੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਡਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀਏ ਗੱਲ ਕੱਟੀਏ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਡੰਗ ਚੁੱਕ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣੀ ਚੱਲ ਟਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ, ਸੋਚੀ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੌਪਈ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਦ ਸੋ ਗਰੇ ਲਗਾਇਓ ਬੈਸ ਮੰਚ ਪਰ ਅੰਕ ਵਸਾਇਓ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਲਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਬਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਦੇ ਰੱਖਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪੜੋਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਪੜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਝੇ ਸੁਣਾਏ ਕੋਵਿਦ ਪਾਦਾ ਤੁਝੇ ਪੜਾਏ। ਪੁੱਤ ਪਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਸੁਣਾਊ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 9 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ 11-12 ਵਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਾਊਗੀ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਝਿੜਕਿਆ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਸੁਣਾ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 2-4 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਈਏ ਕੀ।
पर पिता फिर शाबाशी जी दे देते हैं, जिमें बच्चों बटरिंग की जाती है ना, पुत बड़ा सियाना मेरा ये आ बन जूगा आ बन जू बड़ा सोहना पढ़ता है, पर मर्ज तो इन्होंने चीज़ों का असर कोई नहीं है। बापू जी थोड़ी देर बाद फिर पुछते हैं मंजी पर बिठा के, कहते पुत फिर कि याद किया कल की पढ़िया सी अज की पढ़िया, पर ये तो बापू जी को भी पता है भी जो दुपहरे आ गया उन्हें की पढ़ना है। हाँ पढ़िया तो सब किताब होंदा भी सवेर का पढ़ के पकाया होंदा कि पकाया जाता बच्चे अज भी प्री नर्सरी वाले जाके वेखो एल के जी यू के जी वाले एक ए बी सी बोलता पिछे सारे बोली जाते, टीचर बोलता पिछे सारे बोलते, तो पाता जी को इदा ही होंदा सी पहाड़े पाता जी ने अगे अगे पढ़ने पिछे पिछे बच्चे बोलते। अज बोलण वालियां विच नानक जी शामिल नहीं ने, पर पिता जी लाड लड़ा के पुछदे ने। सुन कर पिता बचन निज कानन, केतक पैड़ी के कम लालना। जो तो पिता जी ने तीजी बार पूछया कहते मेरे पुत ने किन्ने पहाड़े याद किए, हाथ करके कहते इन्ने सारे। नहीं बच्चों का हिसाब इतना ही होता है, उन्हें कोई गल हो इन्ना किया इदा। पिता जी कहते फिर पुत सुना कम खराब हो गया जी, इन्ने सारे कहता दिता भी इन्ने पहाड़े याद किए इन्ने पढ़े आ बापू, कहते सुना फिर। फिर मर्द ने सोचा भी चल रोज बापू ने झिड़कना ही है, अज खुशी कर देने आखो सतनाम। फिर की हो गया, पिता जी कहते पुत किन्ना पढ़िया, कहते जो पढ़ाया सारा ही पढ़ लिया मैं खत्म करता पढ़ के। तो बापू हस भी पिया, हसा तो आना ही है, बच्चों दिन गल् कि घोड़िया होंगे स्कूल जाते कहते अब पढ़ लिया मैं, कहते सारी किताब पढ़ ली याद है सारा कुछ। तो बापू जी कहते चंगा फिर पुत जो सारा पढ़ के खत्म किया सुना लागे जी सुना। एक का पहाड़ा, डेढ़ का पहाड़ा, दो का, ढाई का, सवा तीन का, डेढ़े चौढ़े सारे सुना लग गए। बापू मूँह कहीं वेखी जाए वही तो दुपहरे भज के आए कितों खड़े आए उस चल चल हैरान। गुरु नानक साहब महाराज बिना रुके बिना उके भोलेपण विच बैठे सारे पहाड़े पढ़ते ने। हितो होते सो बार क्याए, ओने उठे कर तिन संग सिधाए। पिता जी दे कहे तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ज्यों लगे पढ़न, एक तो लैके सौ तक गिणती सुनाती, सौ तो लैके पुठी थले नूं। बापू हैरान भी तो दो तीन महीने का सिलेबस जो नानक ने अच्छी सुनाता, माण होने लग गया भी पुत भी तो पटवारी का फिर भरम पै गया। यही तो मर्द पाते भी पिता कदे कदे इस पासे आ जाते सी भी मेरा पुत बड़ा सियाणा है, अज बापू जी शाबाश लेंदे दे रहे आ, तो दूजे दिन लंभ आ जाता सी कहिंदा लै यार इहो जिहा ढीठ कित्थे घर आ गया। बड़ी बार होया पहले दिन बापू ने अपने मूँह तो तारीफ करनी, दूजे दिन उही कहिंदा सी ओहो यह नहीं पढ़ सकता यह नहीं कुछ कर सकता। गुरु साहब ने जो जो पिता जी ने पूछा ऐदा जिदा रटे लगे होंगे सारा कुछ सुनाई जाते ने। खेलन लगे बीत का माही, चंद चांदनी पूर्ण जाही। बस सुनाते सुनाते पिता की गोदी च उठे उठ के भज के बीत का नाम है गली का गली चा के खेडन लग गए। हम पिता की खुशी बड़ी सी सुन के भी चल शुकर है पुत मेरा पढ़न लग गया, बड़ी बड़ी खुशी है। फिर पिता को यह भी एहसास भुल गया भी नानक मेरी गोद च बैठे नहीं, फिर बच गए। अज ये गल ने कोई बहुता असर नहीं किया भी मेरे को बहुती देर नहीं बैठे। गुरु साहब आके गली च मिट्टी में फिर खेडन लग गए, संगी साथियों को पता लग गया नानक जी आ गए, क्योंकि फ्रेंड सर्कल है ना सारा, बच्चों की यारी बड़ी प्यारी होती है, कौन भैन है कौन भरा ये चीज़ा मैटर नहीं कर, कौन वड्डा कौन छोटा कौन अमीर कौन गरीब वो इस बचपन दे विच कोई हेर फेर कोई फर्क रूप रंग शकलां कपड़े कदे मैटर नहीं करते। जिंदगी की असली यही है, किसी ने मिट्टी पा भी दिती अगू हस पैना, मैं कहना साढ़े ते पा के देखिए कोई राह जाते कोई गड्डी वाला छट्टे पा जाए तो साढ़े अंदरों किन्ने प्यारे प्यारे बोल निकलते पता ना तुम कि मिठा बोली दर ले। जे किसी ने अगे आके कुछ शीशे लगे अंदरों गाला कड़ी जाएगा भी थले कर तार के कट गाल जो कटनी है तेन दसे अगला वे साड़ी तो बिरती इतने बन जाती आके क्योंकि वड्डे हो गए माया च फस गए। गुरु नानक साहब महाराज कहते अपने साथियों नाल खेडन लगे, पिता की मंजी ते बैठे सारा दृश्य वेखते आ। हुण माण हुंदा कहते चलो इन्ना क खेडना जरूरी है, जिहड़ा बच्चा पढ़ता लिखता ना उहदे खेडण ते कोई ऑब्जैक्शन नहीं है,
ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਰਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੇਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਿੱਟੀ ਚ ਲੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਲਕ ਸਾਥੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਨਾਨਕ ਭਣੈ ਕਹਾਣੀ, ਭਜਨ ਭਗਤ ਸੋ ਮਿਲੀ ਜੋ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਆਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਜਣਾ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਦੁਹਰਾ ਮਦਰ ਸੁਦਾ ਸਮ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਲ। ਬਾਲਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖ 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 ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਪਾਧੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਛੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਮਗਨ ਬੜੇ ਮਸਤ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਖੜ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ 20 ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਡੋਲੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਿਆਹ ਹਾਲ ਬੜੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਯਾਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਗਵਾਂਢੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਛੋਟੇ ਵੇਖਣ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਮਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚੇ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਚਿਤ ਬਿਖੇ ਚਾਹੀ ਚੌਂਪ ਵਿਸਾਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਖੇਡ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜੇ, ਚਾਹ ਧਰੀਏ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਚੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਬਸ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੀ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਓਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਤਾਵੇ, ਨਾ ਪਿਆਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ।
गुरु साहब वाल वेख वेख लोग हैरान होंगे आ कहते हूँ गुरु साहब की संगत में कौन आए भाई बाला जी बेशक पांच साल वड्डे उम्र के पर वह भी नानक जी के बचना सुन रहे क्योंकि इतने अजे गुरु शब्द नहीं मिले बचपन की खेड चल रही है बचपन देडा ने अजे मर्द ने सिख नहीं सजाए अजे अगे उपदेश नहीं दिता केवल पाता जी के गुरु ने बच्चों लिए तो बचे आ कहते रोज खेडिया कर कद उपदेश सुना देंगे कदे शोर मचा लेंगे कदे गली गली दौड़ पेंदे ने इन्हों का कुछ किसी को पता नहीं लगता चौपाई जिही कमन बचन ज्यों बाना मलराई मद पलक समना कहते बच्चों नू ने समझा वड्डियां नू जांदे ने जीव गुरु साहब की कमान है ते इस कमान उत्ते आए जीव ते बोल तीर वर्गे आ कहते छोटिया छोटिया गल्लां वड्डे वड्डे मसले हल कर रही कई घर के कलेश लड़ाई झगड़ा नानक जी के बचना सुन के खत्म हो जाता है बेशक बच्चों समझाते पर गुरु साहब का उपदेश पहले दिन तो ही सर्व साझा है सारे लिए है किसी एक पर्टिकुलर बंदे वास्ते गुरु साहब का उपदेश नहीं होंगे सारी दुनिया वास्ते ही है कहते मर्द जो बचन करते हैं ना लोग सवाणिया गवांढ़ना आम पुरश कंधा तो उच्चे हो के कन ला ला के सुनते कहते बाबा नानक बोलना की है तो बच्चा ही है प्यारा लगता है उदे बोल मन चीखन करे शान चतराई नाना उकतन पंख सोहाई उक्तियां जुक्तियां वो की होंदियां ने मतलब गल घुमा फुरा के लिया के संदर्भ से खड़ी कर रहे इनू कहते इंटेलीजेंस गल की है मुद्दा की चलता है आले दुआले दुनिया दी गल्लां सुना के लिया के फिर उठे बैठे कर रहे गुरु नानक साहब महाराज बचपन के साथियों के कहती जो इंटेलीजेंस वरतते हैं ना सियाणप वरतते लोग गल्लां करते कहते है बच्चा गल्लां कित्थों लैके आउंदा है कहते कमाल है पटवारी जी के बहुत वड्डे भाग ने यह बच्चा तो इदा लगता जिमें कोई पढ़िया पंडित हो गए सो पढ़िया सो पंडित बीना सियाणा बड़ा है ये विद्वान बड़ा है इनू स्कूल जाने की लोड़ है पाठशाला जाने की लोड़ है इतने वड्डिया वड्डिया पढ़ाया करो लोग गल करते क्योंकि हर बच्चे दे विचों उहदा फ्यूचर दिसदा इन्हें वड्डा हो के की करना है ये बचपन तय करता हर मनुख का भी उहदी परवरिश किहो जी है सोच विचार किहो जी है माँ बाप ने उहनू किहो जे सोर्स दिंदे आ हुण वड्डा हो के की करेगा पता मापिआं नू लग जांदा ते आंढ गवांढ दे लोक इही गल्लां करदे ने कहिंदे बच्चा वड्डा हो के कुछ बणू सुभाविक गल्लां अपने घरां च कई बच्चे हुंदे आ उहनां दी लगन वेख के आपां कह दिंदे आ भी इह बच्चा ना इक दिन कुछ बणूगा ते गुरु साहिब बारे कहिंदे उह लोक जग तक लाउंदे आ कहिंदे इहदी बोली इहदे बचन इहदी कविता गहरिया कुंडिया छेती सानू समझ नहीं आउंदियां बाल ब्रिंद हिरदा लश पीड़ा पए लटूहा होए अखिदा पर कहिंदे बच्चियां वाल भी वेख के लोकी हसदे रहिंदे कहिंदे वेख के तां लट्टू होए पैला नानक जी दे मुख वाल ही वेखी जांदे बच्चे किन्ने ने 25 तो 30 न्याणे गुरु नानक साहिब जी दे साथी ने साडे बच्चे का कोई एक अद्धा दोस्त हो जाए असीं उह तों ही कल पुछदे आ पर वेखो मर्द सच्चे पातशाह इन्ने इन्ने बच्चियां नूं हैंडल करदे आ पर कहिंदे सारिआं दे मोहरी आ कैप्टन ने सारिआं दे जिधर नूं जांदे आ उधर ही जिथे गया बाणी उत्थे गया बजा जे गुरु साहब वेहड़े च बैठे तां सारे उत्थे ने जे मर्द खेतां वाले पासे चले सारे उधर ने कोई बच्चा मर्द दे बचन तों बाहर नहीं चलदा इह सुभाविक सी कुदरत वल्लों सी क्योंकि उह हरमन प्यारे ने सब दे दिलदार ने सब दा मन मोहदे हन तज कर संग सदन नहीं जावे मात पिता तब आन बुलावे भाई बाला जी कहिंदे सानू साडे मां बाप कई बार लैण आउंदे सी वी पुत शाम हो गई आ हुण सूरज छिप दा चल करे किसी दे कम भी होना कहिंदे असी जाणा ना सानू कुट कुट के लैके जांदे सी कहते ऐसी संगत सी गुरु नानक साहब महाराज की बचपन के भी साडा जी नहीं सी करदा सी एक पल विछड़िए एक मिनट भी दूर होइए सज्जण कई बार जीवन में ऐसे रब के प्यारे होंगे आ
एक पल भी चित नहीं करता उन्हें तो दूर रहने का, एक पल भी चित नहीं करता अखा तो ओले करन दा। कहिंदे गुरु साहब के दर्शन वास्ते वो बालक किन्ने आपो धापी हो रहे हैं, माँ बाप फड़ के लैके जाते रोंदे घर जाते कहिंदे जो गुरु साहब को आ जाते फिर भुल जाते दुनिया हुण मापे तो रोटी खवाउण लैके जाते कोई नवाउण लैके जाता है कोई पढ़ाउण लैके जाता है वो झिड़किया भी करन कहिंदे सारा दिन नानक दे मगर लगे रहने हुण बच्चों नूं तो कहना ही हुंदा झिड़कना भी पर गुरु साहब बारे कुछ नहीं सुनते ऐना वो प्रेम करते ने गह कर ले जावे है बरियाई ताज नहे सकई मन बिरमाई। पर लोग बड़े हैरान कहते सानू समझ नहीं आती इन्हों बच्चिया दिया महफल अज इतने लगिया होंदिया ने कल दूजे मोड़ से पिंडों बहर डेरा लाया होंगे यही तो बेबरबाद ही जिंदगी है कदे कितने खेडते ने कदे कितने खेडते 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 पता नहीं लगता कदों उपदेश मिलना शुरू हो जाता तो कदों सुन लग जाते जिम्मे कि सतसंग होंगी हो कोई बहुत बड़ा बुलारा बोलता तो लोग बह के आपा भुल के सुनते गुरु नानक साहब जी की गली गली घर घर यही चर्चा सी कहते समझ नहीं आती कि बोलते किड़िया टूनिया गल् कर जाते बच्चे उन्होंने खेड़ा ही नहीं छोड़ते तो ये सिफतं घर आनिया शुरू हो गई जी पिता जी ने लोगों ने खड़ा खड़ा के क्या करना तेरा पुत बड़ा विद्वान बड़ा सियाणा है कहते लगता वो तो दरगाह तो ही पढ़ के आया बापू क्या करे ना करो ए वो तो पहले नहीं पढ़ता कई बार होंगे बच्चा इंटैलीजेंट होंगे मापियां लगते ने करना कुछ नहीं जब कोई आके सिफत करता तो फिर मापे साढ़े भी टुट के पैद कहते अगर तरीफना करा कर इन्ने लायक नहीं सानू पता की करता तो पिता जी ने लोगों को टालिया करना हर बंदा इको गल हर बंदा इको गल कहते भाई तुहाडा पुत बड़ा विद्वान वो कहता मैं किदा मना मेरे को भाई कि बोलता नहीं उन्होंने तो कदम पहाड़े चेते नहीं होंगे पाता जी वाले पिता की पुठ ही पै जाते हैं कई बार पर गुरु नानक साहब की महिमा माता जी के कोल आती तो माता सुन के बड़े खुश होंगे बड़े प्रसन्न होंगे उन्हें गुरां नूं प्यार करते ने रोचर बचन की रुचि अदकाई सुन सुन पुन मन होत सवाई कदे कदे माता जी भी पिछे खड़ के ना जाके गल्लां सुन लेंदे आ चोरी चोरी माता ने दबे पैर जाना भी नानक जी प्रचार करते सोहनिया गल्लां साखियां सुनाउंदे मैं भी तो सुना वा लोकी कहिंदे तेरा पुत बड़िया सोहनिया गल्लां करदा है हमेशा हर माँ अपने बच्चियां दी वैल विशर होंदी है बापू ही होंदे ने जिहड़े कान मीना कढ़ी जांदे आ नहीं चंगा आ नहीं ठीक इहनूं बहिणा नहीं आंदा बोलणा नहीं आंदा माँ हमेशा परदे पाउंदी रहिंदी है ना जी ना इहदे वर्गा कौण है जवाकां दे लांभे आउंदे मेरा मुंडा ते घरों बाहर नहीं जांदा माता त्रिपता की पिछे बह के कदे कदे सुनते हैं आश्चर्य हो जाते हैं यकीन ही नहीं आता भी नानक जी के दर्शन तो जो फिर माता जी घर लेके आते हैं ना थोड़ी देर चार रहा मर्ज फिर ऐसी माया पा देंगे माँ फिर भुल जाती है मतलब भुलण तो भाव की भी याद नहीं रहता नहीं याद रहा उस चीज़ की वैल्यू खत्म कर देंगे वैल्यू साढ़े च भी होता दुनिया में भी है कोई बंदा सानू रोज़ मिलता बड़ा खास होंगे एक दिन साढ़े कोल भी आ जाए खड़ भी जाए खास नहीं होता इदा गुरु साहब कर देंगे कहते माता जी जब गुरु साहब की महिमा किसी को करते घर दिया गल शुरू कर लेंगे छड़ भैने बच्चों का की तो सारे न्याणे सांझे होंगे वो जी होंगे दूजे पास गल शुरू हो जाती पर गुरु नानक साहब महाराज कदे नहीं चाहते माँ मेरी तारीफ करे तो बापू मेरा माता न लड़े क्योंकि जो माता जी ने तारीफ करनी है भी नानक बड़े सियाने सूझबान ने तो पिता ने कहना तू बिगाड़ देना इन ना गल्ला करे योजना योजा नहीं है क्योंकि पता नहीं बापू जी के दिमाग च की चलता है मर्द दिया खेडा ही ने जी ये सारिया जो गुरु साहब हाथ बरता रहे हैं इस करके तो कहते हैं भी जिन्हें बचपन की कथा गुरु नानक साहब वाली नहीं सुनी उन्हें सुनिया की सुनिया उन्हें कुछ भी कहते रोज़ तरीफा होया कर पिता जी के मन च भी कदे कदे आन लग गया वो कदों आता है जब कदे पंडित हरदयाल दी गल्लां याद आउंदियां कहते चल फिर चैक करांगे किसी दिन भी किन्ना क ज्ञान मेरे पुत नूं है पर वेशक बारक जो पासा पुनवान जिनकी अगनासा नेड़े तेड़े दे पिंडां विच तारीफ जाण लग पई इत्थों तक राय बुलार साहब जिहड़े पिंड दे मुखिए ने नवाब ने उन्होंने भी कदे कदे कल्याण चंद जी आखना कल्याण चंद जी कदे अपने पुत्र के दर्शन ही करा लिया करो सुने बड़े विद्वान बड़े सियाने हस के थार देख राजन कहो जी गल करते हो बच्चे बच्चे ही होंगे आ
हजे बच्चिया सोझी नहीं है, बड़िया छोटिया उमर उन्होंने लोग एवं तरीफा करी जाते हैं। चलो राय बुलार ने चुप हो जाना भी कोई गल नहीं, पर दुनिया तारीफ करती कोई तो गल नहीं ना। हूँ इस चीज़ का फर्क होंगे, हूँ आप अपने परिवार के बच्चों की लोगों को तरीफा करी गई वह की गल बनती लोग आके कहन की तुहाड़ा पुत तुहाड़ी धी बड़ी लायक है, ये होंगी तारीफ। एवं तोता रटन लग के अपने के गुण गाई जाने कोई फायदा नहीं है। जो कल गलती करके आते फिर शर्मिंदा होना पैदा भी मैं तो इंडिया बुकरियां मरे से कम हो रही निकल आया, मैं तो कहा मेरा पुत घरों बहर नहीं जाता, लोग कहते रात को एक बजे वड़ता घर। फिर भी जवाब है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आप परमात्मा परमेश्वर ने जब उन्होंने राय बुलार साहब वेख लेंगे ना कदे कदाई घोड़े त्यों दे जाते कहते बस खड़ा के घोड़ा वेखते रहते करते ही नहीं, मर्द के चूजा तो उबले हार जाते ने। नानक बैसै बीच बैराजै बच सुन जिन्हें सो धर्म है लाजै। जद गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह बच्चों के बहेंदे इदा लगता जिमें धर्मराज बैठा हो कुबेर बैठा हो। चल कोई नहीं, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की महिमा वेख वेख पिता बड़े आश्चर्य से बड़े हैरान होंगे ने, पर अज गुरु साहब घर आए ने चुप ने बड़े उदास ने। हुण पिता जी ने सुनी सी सतगुरां दी नित दी महिमा ते पर जद अज अपने पुत्र नूं उदास वेखिआ है सारा कुछ भुल गए ने। बदन बेलोकै निज निज दिस सो लखै कंड को नहि तें सिस सो। गुरु साहब सच्चे पातशाह जिस वेले घर आ जांदे ने बड़े चुप चाप रहिंदे ने बड़े उदास जी रहिंदे ने, पिता नूं इस गल दी समझ नहीं आउंदी मेरा पुत इदां क्यों करदा है, मेरा पुत इदां क्यों करदा है। जद जद लोग तारीफ करते ने लोग महिमा करते तो उदो ही सतगुर कोई माया वरता देंगे पिता नूं उलझा देंगे। सब मन जाने मुझे सुनावे रोक रखी का सुने मन भाम है। पिता जी दे मन विच आस पैदा होंदी है मैं उस दिन जाके वेखा जद मेरा पुत उपदेश दिंदा है, क्योंकि रौला बड़ा पै गया जी प्रचलित हो गया काम कहिंदे नानक जी हर धर्म ग्रंथ पढ़ लैंदे आ। हुण बचपन दे विच इदां दीआं गल्लां होणियां बड़ियां आम नहीं हुंदियां, बड़ियां खासों खास हुंदियां। छोटा जिहा बच्चा अज भी 2 साल दा 5 पौड़ियां दा जाप करे सरजता है ना, हुण कोई 5 साल दा पाठ करे 6 साल दा करे आम गल है, उस वेले तां सारी सोची हुंदी है, पर 2.5-3 साल दा बच्चा कुछ अलग सुनावे दुनिया तों उह हैरानी हुंदी है। हुण गुरु साहब छोटिया मोटिया गल्ला नहीं करते, एक तो होंगे ना छोटिया मोटिया गल्ला जो साखियां सुननिया सुनाती हूँ उन्होंने तो भी उभर गया, हूँ मर्ज लागे धार्मिक ग्रंथा के अर्थ कर, काम बहुत वड्डा हो गया ना जी। अर्थ कौन कर सकता है जिन्हें विद्वान मनिया जाता है, जिन्हें कित 5-7 साल ला के कढ़िया हो अपना आप काढ़िया हो ना फिर होता है। पर गुरु साहब की कहते चर्चा सारे इलाके च होने लग गई, कहते नानक जी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं तो बापू कहता इन लेखे का हिसाब किताब नहीं आता, ये पाठशाला नहीं बहता, लोग किहो जिहा गल्लां करते ने। दोहरा मिल बालक सो खेलते चल आई निज धाम। रोज खेडण जाना घरे आ जाना, कदे कदे मां बाप फड़ के लैके आउंदे आ ते माता तृप्ता जी भी सोचते रहिंदे ने भी मैं अपने पुत की तारीफ बड़ी सुनी है पर साढ़े सामने कदे इन्हें ऐसा सुनाया ही नहीं, क्योंकि जिहड़ियां गल्लां गुरु साहब बार दुनिया नूं समझाउंदे कदे घर नहीं कीतियां। मैं कहना तुसीं लख वकील बन जाओ, कोर्टां च लोकां नूं फैसले जित जित दो, घर दा तुहाडा पानी दे गलास पिछे भी गल पैण नूं आउंदा भी तूं ही गलत है, पुछदा कोई? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਓ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨੇ ਲਈ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਵਿਹਲੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ।
गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह घरे आउंदे आ माता पिता मोह विच पै के उही लाड़ लड़ाई करदे आ जो गल्लां सुन लैंदे हैरान हो जाते फिर वह भुल भल जाए कहते चल कोई नहीं लोगों का की आ लोग तो एवं तरीफा करी जाते पर पिता जी के दिल दिमाग से गल सी कहते मैं कभी छापा मारना पहला तो वह लोग फटते जे मैं कहते हैं ना भी तेरा पुत बड़ा सियाणा पता नहीं मैंने ताने मार दे उन्होंने इस पासे लगता भी लोग मैंने ताने मार दे भी तू पटवारी तेरे पुत ने नहीं पढ़ना कई बार बंदा इस पासे भी लै जाता पर गुरु साहब के पिता जी इस पासे ही सोचते सी भी जेडे लोग मेरे पुत की तारीफ करते तारीफ नहीं करते मैनू छेड़दे आ मैनू मखौल करदे ने अन्न खाई कर मत ते सुते तन अबराम शाम वेले सतगुरां ने आउणा कहिंदे अज भी हर रोज की तरह आए भोजन छकिया सौंगे कोई मां नाल गल्लां नहीं बापू जी नाल गल्लां नहीं बस अपने आनंद च अपनी नींद पूरी कर लैंदे आ सवेर दा वेला होण लगे माता दी अज सारी रात सुते नहीं यही सोची जांदे आ पता नहीं लोग मेरे पुत की तारीफ सच्ची करदे आ जा फिर सानू बेदियां नूं ताने मारदे समझ नहीं आता पिता जी दे मन दे विच भी यही ख्याल आते आउंदे ने चौपाई जाम जामनी जगन नेमा जब का तन तर दानी छिमा मुक्ति दे दाते सतगुर अमृत वेले जागे पिता जी दे मन च आया भी क्यों ना इनू एक बार पाठशाला फेर लेके जा बड़े दिन हो गए खेड़दे नूं हुंदा कई बार बच्चा जिद करदा मैं स्कूल नहीं जाना मापे कहिंदे चार पंज छुट्टियां करा लो फिर आपे मन जाणा है हुण कई दिनां दीआं खेडां तों बाद पिता जी अज सोचदे सी मैं अपने पुत नूं एक बार पाठशाला लैके ते जावां पता ते करां कि दुपहर नूं आ गए सी मुड़ के मूँह नहीं किया कदे कहा ही नहीं भी मैं पादा जी कोल पढ़न जाणा जे ये पढ़नगे नहीं ते पटवारी किद्दां बणनगे वड्डी पोस्ट ते बैठणगे किवें मेरा नाम रोशन किवें होएगा और भई कीनो इशनाना पट पहरी सुंदर बिदनाना पिता जी कहते पुत फिर तैयार हो जा आपा जाना सतगुर कहते बापू जी कित्थे जाना है कहते पाता जी कोले पाठशाला कहते चंगा कोई जवाब नहीं कोई सवाल नहीं ना रोए ने ना कहा मैं नहीं जाना माता जी ने तैयार किया भोजन छकाया कहते माता जी ने फिर टिक्का जहा लाता काला कंधे पिछे अगे रीत होंदियां सी भी पुत नूं नज़र ना लग जाए कहते पिता जी अज सोहणे कपड़े पा के तैयार ने फिर लाड़ लड़ाउंदे मिठियां मिठियां गल्लां कहते पुत अज जो पढ़ के आएगा ना मैनू याद करके सुनावी दिवस चरे कालू गए हाथा ले चट सार चल्यो निज साथा हौली हौली उंगल फड़ के पिता जी लैके अपने पुत्र नूं पाठशाला आ गए जद पाठशाला च प्रवेश होए ओह पादा जी वेख के हाथ जोड़ खड़े हो गए दोने हाथ जोड़े आ दूरों मत्था टेकदा चुक गए ते पिता जी उन्हें इन्ना ध्यान नहीं किया उन्होंने लग्या भी कितने पटवारी साहब नूं मत्था टेक गया वह इधरों गिरी लै वह नहीं वेख्या भी उन्हें नानक नूं मत्था टेकिया क्यों टेकिया क्योंकि नाल आ रहे मत्था टेकिया नमस्कार की नेत्र नीवे कहते जी आया हुण पादा जी खड़े आ नानक जी नूं बिठा दिता गया पादा जी बैठ नहीं गए क्योंकि वह जानते मेरा रब पूंजे बैठे तो मैं खड़ा हो जा उची थां ते बैठा किवें हो सकदा ए पांडी सो बोलियो हित तरके देहो पढ़ाई दे रुच करके पिता जी दोनों हाथ जोड़ के कहते पादा जी मेरा पुत कई दिन का पाठशाला नहीं आता सी जिद करता सी कृपा करो पढ़ाओ पादा जी हाथ जोड़ के कंबल लग गए कहते ना कल्याण चंद जी मेहर करो मेरे दया सतनाम मैं नहीं पढ़ा सकता पिता जी गुस्सा आ गया भी मैं इनू कहा तेन घोड़ा देंगा आ गई गलत मैं कहा मेरे पुत नूं दो साल वाली पढ़ाई एक साल च करा कहिंदा सी मैं पढ़ा देंगे जवाब दिता मतलब मेरे मुंडे नूं पढ़ाउंदा नहीं इह उन्होंने एक दो कुछ नहीं सुनिया पादा जी का राशन पानी लैके दुआले हो गया कहते वाह पादिया तेनू पता पटवारी लग्या मैं कहते कल्याण चंद जी मेरी गल सुनो मैं इज्जत करता सत्कार करता नहीं पढ़ता इतों ही सुन के शुरू हो गए कहते आहो मैनू पता पढ़ ही नहीं सकता सुनते लग गए कि कहते
वो तो बड़ी भावना नाल कहिंदे वी इन्हां नूं मैं पढ़ा नहीं सकदा। इंद्र अंकार उन्हें एक ही गल बापू ने फड़ी कहिंदा मैनू पता नहीं पढ़ सकदा, इह गल तूं क्यों दसदा मैनू, इह ते मैं वी जाणदा हां। सुण बोलियो मन सो कर बंधन, विद्या निपुणंग कुमत निकंदन। पिता जी थोड़े जिहे सुभा करके गर्म सन, गल गल ते गुस्सा कर जांदे सी। पाता दी हाथ जोड़ के कहिंदे कल्याण चंद जी मैं इदां नहीं कहिंदा वी मैं पढ़ा नहीं सकदा, मैं तो यह कहना चाहना भी ये पढ़े हुए आ निपुण ने। बापू जी कहते कर ला जिहड़ियां टीचर बाप वाध्या, जे तू मेरे नाल इहो जी करेगा तो बाकी बच्चों का की करेगा। वह कहते मैं पढ़ाई नहीं सकता इन्हू। हुण पिता नूं लगता भी जवाब दिंदा मैं नहीं पढ़ा सकता, काम औखा इधर समा हो गया जी। जिमें जिमें अगे जो कुछ होगा, क्योंकि हुण काम थोड़ा जिहा खराब हो गया, देखते हुण पाधा जी रहिंदे आ जां कोई होर की बनता, क्योंकि पिता जी अपने सुभा के मुताबिक सही सोचते आ पर फैसला जक लत लेते, बहुता नहीं सुनते। पुराने बुजुर्ग इदा सी, अज भी आप कहने ना जनरेशन गैप है जी, माँ बाप की बच्चों पुत पोतियां क्यों नहीं बनती, बस यही है असी शॉर्ट टैंपर्ड आ, कोई गल सुन के विचारते नहीं, तो वह सोच समझ के जे पॉलिश मार मार के गल करते हैं, इस करके फर्क होता है। जिमें महाराज कृपा करे ना बड़े आनंदमई प्रसंग आरंभ हो रहे हैं, कल दे दीवाना च आनंद माणांगे। वाहे गुरु वाहे गुरु।